हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है तो बीमित सूत्र पर बेस है, तो आइए हम देखते हैं बीमित सूत्र। तो दोस्तों, जो आज हमारी क्लास है बीमित सूत्र पर बेस्ड है, और बीमित सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर हमें किसी का बीमित सूत्र निकालना है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे पूछा गया पेपर में कि कार्य का बीमित सूत्र क्या होता है, बल का बीमित सूत्र क्या होता है, तो बीमित सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देखें, कोई भी पेपर उठा के देखें, तो बीमित सूत्र से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम बीमित सूत्र का सबसे बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो बीमित सूत्र पढ़ने के लिए दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए कि मूल राशियाँ, और दूसरा पता होना चाहिए व्युत्पन्न राशियाँ। तो दोनों पर हम बात करेंगे। तो मूल राशियों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब वह होती हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होती, किसी पर डिपेंड नहीं करती, इनकी संख्या 7 होती है। और व्युत्पन्न का मतलब होता है कि मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। तो मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है, तो 7 को छोड़कर जितनी भी होती हैं अब सब मूल राशियाँ हैं। तो मूल राशियों के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला है लंबाई, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, और लेंथ का जो है पहला वर्ड है एल, तो लेंथ को एल से डिनोट करना। दूसरा जो सेकंड नंबर पे आएगा तो लंबाई हो गया। दूसरा नंबर द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, मास के लिए एम। फिर थर्ड नंबर पे आता है समय, समय को बोला जाता है टाइम, टी। तो यहाँ पे तीन तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, तीन से ही हम जाके पूरी बात करेंगे। तो लंबाई के लिए हम एल यूज करेंगे, द्रव्यमान यानी मास के लिए एम करना, टाइम के लिए टी। तो इसकी परिभाषा, बीमित सूत्र की परिभाषा होती है कि मूल राशि जो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के, मूल राशि मतलब एल एम टी जो हमने पढ़ा, तो व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के उचित घातों के द्वारा प्रदर्शित करना बीमित सूत्र कहलाता है। उचित घात कैसे बोला, एम यानी मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, पावर ए बी सी। तो ए बी सी क्या है, पावर, यानी हमने बोला सुटेबल पावर के द्वारा क्या करना, रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ से थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसको और आसान बनाता हूँ। तो इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे दो वर्ड लिखा हूँ, एक है मूल राशियाँ, दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को बीमित सूत्र कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को बीमित सूत्र कहा जाता है। और बीमित सूत्र को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। अब आपके मन में जो डाउट उठ रहा होगा कि यहाँ पे m का मतलब होता है मास, जैसा अभी मैंने बताया था, यानी द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। फिर लिखा एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई की बात कर रहा हूँ। थर्ड नंबर क्या, टी मतलब समय यानी टाइम की बात कर रहा हूँ। ए बी सी यानी पावर है, पावर का मतलब होता है घात। अब घात क्या है, प्लस में भी हो सकता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है। ए बीमित सूत्र के बारे में हमने देखा। अब बीमित सूत्र से फॉर्मूला जो बनाते हैं, वो फॉर्मूला किस प्रकार निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके बारे में अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला नंबर जो स्टार्ट होगा तो लंबाई से स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे आएगा लंबाई, लंबाई आ जाए या विस्थापन आ जाए या दूरी आ जाए या चौड़ाई आ जाए या ऊंचाई आ जाए या त्रिज्या आ जाए, तो इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे एल। और हमने बताया था कि बीमित सूत्र को लिखा जाता है एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। तो इन सब के लिए एक ही राशि है यानी एल की बात किया।
अब इसमें मास की बात तो है नहीं, तो मास की बात यानी द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा है, यानी पावर जीरो। और किसी की पावर जीरो आपने पढ़ा है, एक्स की पावर जीरो मतलब वन होता है, तो यहाँ पे एम कर दिया, एल है तो एल लिख देंगे, वन लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो कोई कंपलसरी नहीं है। फिर इसके बाद टी आया, तो टी की पावर यहाँ पे नहीं है तो टी की पावर जीरो। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे बेसिक है, लंबाई हो, विस्थापन हो, दूरी हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या हो, सबके लिए बीमित सूत्र होगा एम की पावर जीरो, एल टी जीरो। पेपर में पूछा गया विस्थापन और दूरी का, कई बार पेपर में पूछा गया। अब जो सेकेंड नंबर पे बात करता हूँ द्रव्यमान, और द्रव्यमान मतलब होता है मास, और मास का जो पहला वर्ड है एम, तो यहाँ पे लिखा एम लिख दिया, और इसमें क्या अब्सेंट है यानी यहाँ पे एम है तो लिखा, एल नहीं है तो एल की पावर जीरो, टी भी नहीं तो टी की पावर जीरो। तो द्रव्यमान का बीमित सूत्र होता है एम, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। थर्ड नंबर पे स्टार्ट होता है समय, और समय मतलब टाइम, और टाइम का पहला वर्ड है टी, मतलब यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, यहाँ पे टी की पावर वन। तो दोस्तों क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे एल है तो मतलब एल आए, बाकी जीरो, यहाँ पे मास है यानी एम हो बाकी सबकी पावर जीरो, यहाँ पे टी है मतलब टी को छोड़कर बाकी सबकी पावर जीरो। तो यहाँ से ध्यान देना, अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बोलते हैं दोस्तों एरिया बोलते हैं, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, एल किया, तो यहाँ पे एल लिखेंगे दोस्तों। चौड़ाई के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे उसके लिए भी एल करते हैं, कितनी बार एल, दो बार, जब दो बार होता है तो एल की पावर टू हो गया, और एल की पावर टू मतलब यहाँ पे मास की बात नहीं है, टाइम की बात नहीं, तो यहाँ पे क्या एम की पावर जीरो, एल है तो एल लिखेंगे, और टाइम नहीं है तो टाइम की पावर यहाँ पे जीरो। अब अगला जो नंबर याद करता हूँ, मैं बात करता हूँ, ये है आयतन यानी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, और इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब लंबाई के लिए एल, ब्रेथ यानी चौड़ाई के लिए एल, हाइट यानी ऊंचाई के लिए एल, एक दो तीन, एल की पावर थ्री, और एल की पावर थ्री है तो यहाँ पे बात करेंगे एम की पावर जीरो, एल की पावर थ्री, टी की पावर जीरो। अब फिफ्थ सिक्स नंबर पे आता है आयतन हो गया। अब आयतन के बाद हम बात करते हैं घनत्व की बात करते हैं। अब घनत्व यानी डेंसिटी की बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला होता है m अपॉन v, m मतलब होता है द्रव्यमान मास बटे यानी द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का जो है तो m, आयतन वॉल्यूम के लिए v, और वॉल्यूम का हमने देखा कि l क्यूब होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा m डिवाइड बाय l की पावर 3, l की पावर 3 ऊपर जाएगा तो बनेगा यहाँ पे m l की पावर माइनस 3, टी नहीं तो टी की पावर 0। अब दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पे तो मैं बीमित सूत्र पढ़ा रहा हूँ तो इनका मात्रक भी पूछा जाता है, तो मात्रक ध्यान रखिए कि लंबाई को किससे नापते हैं, मीटर से, तो यहाँ पे मीटर ध्यान रखना है। फिर द्रव्यमान के लिए किसे करते हैं, किलोग्राम यानी केजी से बात करते हैं। समय के लिए करते हैं टाइम यानी सेकेंड की बात करते हैं। क्षेत्रफल के लिए एल, एल का हमने बताया मीटर, तो यहाँ पर जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है एल क्यूब यानी मीटर की पावर 3। यहाँ पर क्या लिखा एम मतलब मास, और मास की बात किया यानी यहाँ पे होगा के जी, एल की पावर 3 यानी मीटर की पावर 3, और यहाँ पे मीटर ऊपर जाएगा तो बनेगा के जी मीटर की पावर माइनस 3। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बात किया, बिल्कुल बहुत बेसिक था। अब स्टार्ट करते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं उसकी बात करें, वीडियो रोक के नोट करिएगा। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे घनत्व तक देखा तो एक आपेक्षिक घनत्व के बारे में पेपर में कई बार पूछा गया तो उसकी बात करेंगे। तो आपेक्षिक घनत्व होता क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, तो यहाँ पे बोलते हैं जल का घनत्व बटे माध्यम का घनत्व, तो जल का घनत्व डिवाइड बाय माध्यम। आपेक्षिक मतलब रिलेटिव यानी रिलेट करना है, तो यहाँ पे जल का जो घनत्व है इसका फॉर्मूला पढ़ा है एम एल की पावर 3, और इसका भी पढ़ा है एम एल की पावर 3 बट माइनस में है,
और एक कैंसिल होंगे, यानी सब कट गया तो कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे एम एल टी के फॉर्म में लिखना, तो एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, यानी ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस, यानी बीमा है, इसका कोई बीमा नहीं। अब बात करते हैं इसका जो मात्रक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मात्रक विहीन, और मात्रक विहीन को बोलते हैं यूनिटलेस, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेग, बेग मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब होता है विस्थापन की दर को बेग कहते हैं। इसके बारे में जब हमारे अगला वीडियो होगा तो उस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेग का जो फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, समय को बोला जाता है यहाँ पे टाइम, और दोस्तों विस्थापन के लिए हमने यूज किया था एल, टाइम के लिए टी, और टी ऊपर जाएगा तो बनेगा एल टी पावर माइनस वन, और दोस्तों डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहाँ पे एम नहीं है तो एम की पावर जीरो, एल टी पावर माइनस वन। अब दोस्तों इसका मात्रक निकालना है, तो यहाँ से बात करें लंबाई है तो लंबाई होता है मीटर, और समय को होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पावर माइनस वन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, पेपर में पूछा गया है, दुनिया का कोई भी विस्थापन, कोई भी वेग हो, मतलब एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा, और बीमित सूत्र यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला एम की पावर जीरो, एल टी पावर माइनस वन, और मात्रक होगा मीटर सेकेंड पावर माइनस वन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं दोस्तों, चाल, चाल यानी स्पीड। तो दोस्तों वेग हो चाल हो तो सिर्फ अंतर क्या है, तो यहां पे चाल में आ जाता दूरी आ जाता, और समय यहां पे है तो जैसा समय है तो समय है, दूरी के लिए करते हैं यहां पे एल, समय के लिए टी, ऊपर जाकर एल की पावर माइनस वन, और यहां पे क्या एम की पावर जीरो, एल टी पावर माइनस वन। मात्रक किसका लिखा था, मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे। तो दोस्तों एक बात समझ में आई कि दोनों का जो मात्रक है और जो यहाँ पे बीमित सूत्र है एक जैसा है, बिल्कुल आईएमपी स्टार स्टार लगा लेना, पेपर में आता है, पेपर में पूछा गया वेग और चाल, दोनों का मात्रक समान है, बीमित सूत्र भी बिल्कुल समान है। अब बात करते हैं त्वरण की, बात करते हैं त्वरण मतलब एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, और समय को बोलते हैं टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे यहाँ पे कहना चाहिए समय हो गया। और वेलोसिटी के लिए दोस्तों हमने देखा था क्या, देखा था एल टी की पावर माइनस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे एल टी पावर माइनस वन, टाइम का यहाँ पे टी लिखेंगे, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू बनेगा, और दोस्तों बीमित सूत्र लिखते हैं तो एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसा कि मैं ऊपर बात किया था, यहाँ पे एम की पावर जीरो, एल टी पावर माइनस टू। अब आपके मन में डाउट होगा कि m की पावर जीरो क्यों हुआ, इसलिए जीरो हुआ क्योंकि यहाँ पे मास की बात नहीं कर रहा है। अब इसका मात्रक बात करें तो यहाँ पे l मतलब मीटर, और यहाँ पे टाइम है तो टाइम के लिए सेकंड करते हैं, पावर माइनस टू, तो माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोस्ट आईएमपी। अब बात करते हैं यहाँ पे मास हो गया, ये हो गया, तो संवेग की बात करता हूँ, संवेग मतलब मोमेंटम, वेरी मोस्ट आईएमपी, पेपर में पूछा गया है। संवेग की बात करता हूँ, संवेग का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान, यहाँ पे लिखेंगे वेग, और हमने द्रव्यमान का पढ़ाया चुका हूँ, द्रव्यमान का पढ़ाया था m, तो यहाँ पे लिख देंगे m लिखा, वेलोसिटी वेग का अभी देखा हमने एल टिक पावर माइनस वन, तो एल टिक पावर माइनस वन, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टिक पावर माइनस वन। और मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का आपने पढ़ा है के जी, वेग का भी पढ़ा मीटर पर सेकेंड, तो के जी मीटर पर सेकेंड, पेपर में पूछा गया। सबसे मोस्ट की बात, मोस्ट टाइम की बात करूँ, बल, बल यानी फोर्स की बात करूँ, तो दोस्तों ध्यान रखिए पेपर में डायरेक्ट पूछे आते हैं, और यहाँ पे बीमित सूत्र इतना जो सब लिखा हूँ समझाने के लिए किया हूँ, जैसे वेग का पूछा डायरेक्ट लिखना है, त्वरण के चाल का पूछा डायरेक्ट लिखना है,
त्वरण का पूछा तो डायरेक्ट ए वाला फॉर्मूला नोट करना है, संवेग पूछा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। ये जो बीच का कड़ी लिखाऊँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो बल का जो फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एम ए, एम ए का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, न्यूटन का जो दूसरा नियम है। द्रव्यमान के लिए हम करते हैं एम, त्वरण के लिए अभी फॉर्मूला पढ़ा है एल टी पावर माइनस टू, एल टी पावर माइनस टू। बीमित सूत्र होगा एम एल टी पावर माइनस टू। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब देखते हैं मात्रक पे, लिखा है एम मतलब द्रव्यमान, उसके लिए हम के जी वर्ड यूज करते हैं। लेंथ लिखा, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर यूज करते हैं के जी मीटर, और टाइम के लिए करते हैं सेकेंड की पावर माइनस टू। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, के जी मीटर सेकेंड की पावर माइनस टू को न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने दिया, तो इसका ध्यान रखिएगा न्यूटन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बीमित सूत्र होता है एम एल टी पावर माइनस टू। अब दोस्तों और कुछ बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम बोलते हैं कि कार्य की बात करेंगे। तो दुनिया का कोई भी कार्य हो तो हम बल के माध्यम से निकालेंगे, फिर इसके बाद हम ऊर्जा एनर्जी पे देखेंगे। तो आइए बात करते हैं कार्य पे। कार्य मतलब वर्क, कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बल इंटू विस्थापन, और बल का जो बीमित सूत्र होता है हमने पढ़ा अभी एम एल टी पावर माइनस टू, विस्थापन का पढ़ा एल, एम लिखा तो एम लिख दिया, एल कितनी बार है दो बार, एल की पावर टू, टी की पावर क्या है माइनस टू। अब दोस्तों इसका हम मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक इसका होता है एम लिखा है मतलब यहाँ पे के जी, लंबाई यानी लेंथ की बात करा, विस्थापन की बात करा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, टाइम की बात करा सेकंड पावर माइनस टू। तो दोस्तों इसको बोला जाता है, या फिर ऐसा नहीं बोलना तो यहाँ पे बल का पड़ा था न्यूटन, तो यहाँ पे लिख दीजिए न्यूटन, विस्थापन का होता है यहाँ पे यहाँ पे मीटर, तो न्यूटन मीटर को बोला जाता है। कार्य का जो मात्रक होता है जूल, ए वी वेरी मोस्ट आई एम पी पीएससी के एग्जाम जो होता है उसमें तक पेपर में पूछा गया। तो कार्य की बात किया तो कार्य का होता है न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल। अब बात कर रहा हूं ऊर्जा, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे मैकेनिकल एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दुनिया का कोई भी एनर्जी है तो पूछा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनर्जी का फॉर्मूला था कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो कार्य वर्ड आए, और कार्य का हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एम एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, सूत्र भी सेम होगा। अब यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट हमने पढ़ा था जूल, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी जूल, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं शक्ति की, बात करते हैं शक्ति यानी पावर। अब जब पावर की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है कार्य करने की दर, यानी यहाँ पे हो जाएगा कार्य, यहाँ पे हो जाएगा नीचे दर, और कार्य को बोला जाता है वर्क, और कार्य का हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे एम एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, दर है, और दर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे टाइम होता है। तो फॉर्मूला बनाया तो एम एल की पावर टू, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या है माइनस थ्री। अब यहाँ पे बात करता हूँ इसका जो मात्रक है, तो इसका मात्रक हमने पढ़ा जूल, तो ऊपर लिख यहाँ पे लिख देंगे जूल, और यहाँ पे नीचे टाइम, टाइम का हमने लिख दिया सेकेंड, जूल बटे सेकेंड को बोला जाता वॉट, क्योंकि वॉट नामक साइंटिस्ट ने दिया तो उनके सम्मान में इसका जो मात्रक है तो वॉट। ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना होने के बाद अब हम बात करेंगे बल के आवेग की बात करेंगे। तो बल का आवेग देखते हैं, बल का आवेग यानी इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो दोस्तों बल का आवेग का जो फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखिए फॉर्मूला होता है बल इंटू समय अंतराल
और बल के आवेग के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो बल का हमने पढ़ा था एम एल टी पावर माइनस टू, समय का पढ़ा टी, तो यहाँ पे बनाएंगे तो एम एल है तो एल दो, यहाँ पे टी पावर माइनस टू है, यहाँ पे एक है तो घटाएंगे टी पावर क्या माइनस वन। और मात्रक की बात करें तो बल है तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, समय का होता है सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड, ये हमने लिखा बल का आवेग। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे दाब का फॉर्मूला, दाब यानी प्रेशर, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो हम बात करेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल यानी यहाँ पे बात करें फोर्स, और फोर्स का हमने बीमी सूत्र पढ़ा था अभी एम एल टी पावर माइनस टू, एम एल टी पावर माइनस टू बात करेंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एम लिख दिया, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर क्या है माइनस वन, टी की पावर क्या है माइनस टू। अब इसका मात्रक हमने जो है तो यहाँ पे मात्रक बनाते हैं, तो बल का आपने पढ़ा है न्यूटन, और यहाँ पे पढ़ा करना चाहिए कि क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को होता है यहाँ पे एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोला जाता है पास्कल, ध्यान रखना पेपर में पूछा गया। अब यहाँ पे दाब की बात हो या प्रतिबल की बात हो, प्रतिबल को बोला जाता है स्ट्रेस बोला जाता है, या प्रत्यास्थता गुणांक, तीनों के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो दोस्तों हमने देखा बीमी सूत्र पर देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने आज बीमी सूत्र पर देखा, अब हम जो आज नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम देखेंगे गति के बारे में। जैसे आज हमने पढ़ा कि यहाँ पे वेग, फिर दूरी, विस्थापन, त्वरण, ये हम सब देखेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके लिए धन्यवाद। We'll be right back.